अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवाना किचन एंड व्लॉग। तो आज मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ, व्लॉग नहीं है। तो उसमें मैं बना रही हूँ दिवाली स्पेशल शेव लहसुन का छोड़ा। तो चलिए मेरे किचन की तरफ देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ शेव लहसुन का छोड़ा। तो चलिए, तो देखिए शेव लहसुन का छोड़ा बनाने के लिए, ये शेव बनाने के लिए मैंने ये एक कप बेसन लिया है, और ये जो चपटी वाली शेव आती है ना बड़ी वाली, ये वो बनाने के लिए ये छोटा कप मैंने बेसन लिया है, और ये बूंदी बनाने के लिए लिया है मैंने ये वाले कप से, और ये मूंगफली है, ये लहसुन को दरदरा मैंने कूट के लिया है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, हींग, और ये नमक है, और ये सब कलाने के लिए पानी। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, मैं कलर वाला बनाऊंगी, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर। शेव का आटा कलाने के लिए मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली इसमें, और इसके अंदर भी हम जो हम चपटी वाली पापड़ी बनाएंगे ना शेव, इसके अंदर भी हम थोड़ी सी अजवाइन डाल के रख देंगे। और तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा कलर डाल, कलर वाला बनाऊंगी ना, कलर डाल देंगे। बर्तन में मैंने है ना थोड़ा थोड़ा सा कलर डाल दिया है, अभी इसके अंदर हम डालेंगे पहले ये वाला बेसन, और इसमें डालेंगे तेल। थोड़ा पानी डाल के इसको कलाएंगे, और इसमें डालेंगे नमक। तो इस तरह से कलाना है इसको, एकदम पतला नहीं करना है और एकदम ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो ये है हमारा शेव के लिए। चलिए इसको क्या करेंगे, अभी चम्मच हटा देंगे, ये चम्मच हटा देंगे हम, और इसी चम्मच से हम दूसरा वाला बैटर तैयार करेंगे। चलिए इसमें भी डालेंगे नमक, और बेसन डाल देंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह से कला के ले लिया है, इसको भी ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। चलिए बूंदी के लिए बैटर तैयार करेंगे, इसमें डालेंगे नमक। नमक गिर गया रेसिपी में, होता है ऐसी कोई। थोड़ी सी इसके अंदर भी हींग डालेंगे, और मैं इसके अंदर भी डालना भूल गई थी, इसमें भी थोड़ी सी डाल देंगे, बाद में मैं इसको बनाऊंगी ना जब मिक्स कर दूंगी, इसके अंदर भी डालेंगे। चलिए इसके अंदर भी डाल देंगे बेसन, और इसको तो पतला कलाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको, पतला। तेल मैंने गरम के लिए रख दिया था, एकदम मस्त तेल गरम हो गया। पहले हम मूंगफली फ्राई करके ले लेंगे, मूंगफली अच्छी तरह फ्राई हो गई, इसको निकाल लेंगे। पहले हम बना लेंगे बूंदी, क्रिस्पी होने तक हम बूंदी को फ्राई करके लेंगे, फिर बाद में इसको निकालेंगे। तो देखिए बूंदी हमारी सब फ्राई हो गई, अभी इसको निकाल लेंगे, इसी छन्नी के अंदर निकालेंगे, तेल भी नीचे इसका निकलते जाएगा। तो बाकी की बची हुई बूंदी भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी।
बूंदी तो हमारी पूरी फ्राई हो गई, बूंदी हमारी फ्राई हो गई। अभी हम चपटा वाला शेव बना के लेंगे। इसका साचा देखो ये वाला है, इसके अंदर डाल देंगे और ये वाला बैटर इसमें इस तरह से भर देंगे। पूरा एक साथ पूरा डाल दूंगी। बनाएंगे हम चपटे वाले शेव। अच्छा क्रिस्पी होने तक इसको भी फ्राई करेंगे। देखिए क्रिस्पी अच्छी तरह फ्राई हो गए, इसको भी निकाल लेंगे। इसी छन्नी के अंदर ही निकालूंगी मैं इसको भी। बाकी की भी हमारी चपटी वाली शेव बनके तैयार हो गई। अभी हम बनाएंगे बारीक वाली शेव। चलिए अब बनाएंगे हम शेव। तो ये वाला साचा लगाएंगे हम बारीक वाला, इसमें भर देंगे बैटर। पूरा डाल दूंगी मैं। देखिए हम बना रहे हैं अब बारीक वाली शेव। बहुत लग रही है। देखिए नीचे से अच्छी तरह फ्राई हो गई। अभी हम क्या करेंगे, पलटेंगे, पलट के फ्राई करेंगे। देखिए हमारे शेव मस्त फ्राई हो गए। इसको भी निकाल लेंगे हम अभी छन्नी में। फ्राई निकालने के टाइम पे टूट गए ये। दूसरी बार भी मैंने डाल दिया है और आप लोग भी मेरी ऐसी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मेरे सब सेव फ्राई होके तैयार हो गए। अब मैंने कढ़ाई में ऐसी छन्नी रख दी है, इसमें डालूंगी मैं कड़ी पत्ता। हरी मिर्ची डालूंगी इसको, अच्छा क्रिस्पी होने दूंगी हरी मिर्ची को और कड़ी पत्ते को। छन्नी मैंने इसके लिए ली हूँ क्योंकि हरी मिर्च के अंदर जो बीजे होते हैं ना और कड़ी पत्ता भी पैरे पे उड़ जाता है, उड़ता है ना तेल इसके लिए। इसके अंदर डाल देंगे लहसुन, लहसुन को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए मस्त मैंने लहसुन हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते को फ्राई करके ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। बड़े वाले सेव को हम ऐसे टुकड़े में तोड़ के लेंगे। चलिए इसके अंदर सेव भी डालेंगे। सेव को भी हम थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के लेंगे, ज़्यादा चूरा नहीं करना है इसको। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। ये काला नमक है ये डालेंगे इसमें थोड़ा सा, वाइट वाला नमक डालेंगे थोड़ा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिरी का पाउडर थोड़ा, इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। आपके ऊपर है, आपको डालना है तो डालो, अगर नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। अब डालेंगे लहसुन हरी मिर्ची कड़ी पत्ता। अब इसको हाथों से इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करके ले लेंगे। देख हमारा मस्त वाला दिवाली स्पेशल लहसुन सेव का चूड़ा बन के तैयार है। अगर आपको इसमें कुटाने की दाल डालना है फ्राई करके, आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली हूँ ज़्यादा। अगर इसमें बूंदी और सेव ज़्यादा होती है
मेरे घर में तो ये 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसको बना के एक डब्बे में भर के भी रख सकते हैं, स्नैक के टाइम पे खा सकते हैं इसको, या फिर भूख लगी अपने को तो कभी भी ले खा ले डब्बे में से और खा लिए। तो देखिए हमारा सेव लहसुन का चूड़ा मस्त वाला बन के तैयार हो गया। और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों को वापस। बाय।